बहुत मजा आया फिल्म के अंदर, क्योंकि एक तो भाई इतने प्यारे मिले हैं दोनों जो छोटे हैं, और क्या है ना फिल्म के अंदर भाइयों का प्यार, परिवार के लिए एक दूसरे का खड़ा होना, और फिर इंडिविजुअली सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं एक्चुअली, लव स्टोरीज हैं और अलग अलग हैं मतलब, तो मुझे तो आज रियली इन्जॉय। मैंने पहली बार एक ऐसा रोल किया है जो एक किरदार किया है जो गांव से बिलोंग करती है लड़की, और कॉस्ट्यूम्स उसी उस रोल को सोचकर बनवाए गए थे। तो हाँ थोड़ा डिफरेंट तो होता है बिकॉज आई एम वेरी अर्बन, टेलीविजन में भी काफ़ी अर्बन कपड़े पहने हैं, लुक भी काफ़ी ग्लैमरस रहा है, तो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा रियल होता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंडियन लड़कियाँ साड़ी और सूट्स में बहुत सुंदर लगती हैं, तो मुझे खुद को देख के अच्छा लगता था जब मैं अपना अपने गेटअप में आती थी और पूरे कॉस्ट्यूम में रेडी होती थी और लुक रेडी होता था, मुझे खुद को देख के बहुत अच्छा लगता था। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू कीप इट रियल, चाहे रियल लाइफ में हो या रील पे भी हो, और मुझे नहीं पता ये नॉन ग्लैमरस है एग्जैक्टली मेरा कैरेक्टर या ग्लैमरस है, ग्लैमरस तो नहीं है बट नॉन ग्लैमरस है या नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो उसका कैरेक्टर उसके कपड़ों से भी दिखाई देता है कि थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, टेढ़ी मेढ़ी, और वो आपको फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेनिफिट डेफिनेटली होता है, पहली बात तो जब तक मैं रॉबी जितना यंग लगूंगा, रॉबी भी यंग है, मैं भी यंग हूँ थोड़ा अलग टाइप से, तो मेरे पास अभी और बहुत टाइम है कि मैं इस एज ग्रुप में 18, 20, 21 वाले एज ग्रुप में और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ, तो हाँ ये डेफिनेटली एक फ़ायदा है ऑब्वियसली। और क्या ग्रेजुएशन के एग्जाम भी दे सकता है? हाँ साथ में डेफिनेटली पढ़ भी सकते हैं। सर आपको पहले से रिकॉग्नाइज है, रेमंड्स मॉडलिंग कर चुके हैं मेरे ब्रांड के लिए, तो वो कितना पहले से जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर पहले से रिकॉग्निशन जो मिली आपको फ़ायदा मंद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही होगा कि लोग थोड़ा बहुत जाने लगते हैं, आप या तो आप अपने इंडस्ट्री से लेके देख लो या नॉर्मल जितने भी लोग टीवी में देखते हैं या पोस्टर्स में देखते हैं कहीं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फ़ायदा रहता है। लेकिन जब आप ऑडिशन देते हो या अपना फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पर ये आई डोंट थिंक सो ये आज के टाइम पर काम करता है, इज़ ऑल अबाउट योर टैलेंट। जैसे आपसे लास्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन को फीमेल्स कटिंग करते हैं, फिल्म्स को मेल कटिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो चलन हुआ है, कैरेक्टर्स को वैल्यू क्या लगेगी, कितना पॉजिटिव बात है एक्टर्स के लिए? देखिए एक्टर्स के लिए तो काम होना चाहिए, वो चाहे कहीं भी, चाहे टेलीविजन हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिल्में हो, अच्छे रोल्स हो, अच्छी कहानियाँ हो, वो ओटीटी है वो अच्छी बात है, मतलब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एक्टर्स के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड। देखिए कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, ये सबसे बड़ा भाई है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार का ख्याल रखता है, जिसमें ताऊ हैं, चाचा हैं, दो छोटे भाई हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा ज़िम्मेदार आदमी है, और तवज्जो सबसे ज़्यादा अपने परिवार को पहले देता है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, और कहीं ना कहीं वो कहानी के अंदर सूत्रधार है, इन दोनों की कहानियों के बीच में भी अगर सूत्रधार अगर बोलें तो यही कैरेक्टर है कहानी के अंदर। सर हम मुझे कास्ट किया था जोगी मलंग सर ने, जो कि वैसे भी बहुत बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं और वो वर्कशॉप भी लेते हैं, तो जब मेरी कास्टिंग हो रही थी तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे, संदीप सर भी थे और अश्लेषा भी थी, और दो तीन मेरे टेक लिए उन्होंने अपने हिसाब से, बट मेरा जो ऑडिशन था वो मेरे रोल के लिए नहीं था, वो इनके रोल के लिए था, बट क्योंकि डायरेक्टर का विजन होता है, उनको पता, उनको लगा होगा कि मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा इस कैरेक्टर में सूट होती हूँ, तो मुझे फिर वसुधा मिल गया, और हमने वर्कशॉप्स की थी, हमने रीडिंग्स की थी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वसुधा के शूज़ में पैर रखना, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मोर और लेस पता ही होता है दिल्ली वालों को हरियाणा का कल्चर, बट क्योंकि वसुधा का कैरेक्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है और सर का जो नज़रिया है वो एग्जैक्टली वैसा समझ के वैसा डालना, वो एक टास्क था जो हमने शूट पे कर लिया अपना बेस्ट दे के। एक्चुअली
मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरे दिमाग में एक, क्योंकि मैं क्रिएटिव टीम का भी एक हिस्सा हूँ, कोई क्रेडिट नहीं मिला है लेकिन मैं हूँ तो मुझे मोनिका को जब मैंने देखा था मुझे यही चाहिए थी, जबकि जोगी सर ने बोला था कि ये जो रोल निभा रही है कॉलेज गर्ल का एक रोल निभा रही है, स्टूडेंट का रोल निभा रही है, वी वॉन्टेड समवन हु इज वेरी प्रिटी, हु हैज़ ब्यूटिफुल स्माइल, गुड स्किन, लुक्स ब्यूटिफुल. तो जब मैंने इनको देखा था हम सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन था, क्योंकि ये है यंग और दिखती भी हैं कॉलेज स्टूडेंट, तो वी हैव टू कास्ट हर लाइक दैट बिकॉज हिज कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद हर जस्ट बाय ही जस्ट लव्स हर, ही कीप्स लुकिंग एट हर एंड इट हैज़ टू बी लुक्ड एट. मतलब जो जिसको हम कास्ट करें वो ऐसी भी होनी चाहिए जो बस उसको देखते रहें. तो मोनिका को हमने इसीलिए कॉलेज के रोल में कास्ट किया. जहाँ तक मेरी बात आती है मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला, और बिमला का ऑडिशन यश सर बताएंगे वो पक चुके थे, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी लड़कियों के साथ ऑडिशन किया था कि उनका दिमाग ख़राब हो गया था. वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जोगी सर क्योंकि इतने ज़्यादा नामी कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत थरो रिसर्च करते हैं, और उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई भी कास्टिंग नहीं हुई है. तो वो बार बार यश सर को बुलाते थे लाइन्स रीड करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ. तो जहाँ तक मेरे कास्टिंग की बात आती है, I'll hand over the whole credit to Yash sir, because Yash ji एक दिन कर रहे थे, किसी कोई और एक्ट्रेस आई थी उनके साथ, उन्होंने लाइन्स किए और उन्हें बोला आप लोगों को चाहिए क्या, कौन चाहिए, कौन है आपकी बिमला, क्या कर रहे हो, एक डेढ़ महीना हो गया शूटिंग शुरू करनी, क्या कर रहे हो. जो कि सब ऊपर बैठे हुए थे, संदीप जी और उनके असिस्टेंट ऑडिशंस ले रहे थे, और मैं वहाँ पे एक फटे से कुर्ते में अपना जो मेरा काम होता है एडी का वो कर रही थी. तो यश सर गुस्सा होके बोले कि ये है विमला, देख लो इसको, ये यहाँ सामने बैठी है. तो जोगी सर ऊपर थे, उन तक बात पहुँची कि यश सर ने ऐसे बोला है, और सब मेरे पे चढ़ गए कि ये लो लाइंस और पढ़ो. तो मुझे लाइंस दी गई ऑन द स्पॉट और फिर मैंने पढ़ी. फिर जोगी भाई ने मुझे ऊपर बुलाया और उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको. और मैं तो वैसे ही मुझे पता था कि मतलब मैं यहाँ पे फ्री में काम कर रही हूँ कि होम प्रोडक्शन है, मुझे यहाँ पे एडी का भी काम करना है, स्पॉट का भी करना है, प्रोडक्शन का भी करना है. तो मैं तो वैसे ही डांट खा के इधर उधर घूमती रहती थी कहीं ना कहीं. तो मुझे एक 10 दिन तक कुछ नहीं बोला गया कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ. फिर एक दिन जोगी सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला आपके साथ वर्कशॉप करनी पड़ेगी, अगर हम आपको कास्ट करेंगे तभी हम आपको कास्ट करेंगे. फिर उन्होंने वर्कशॉप की और उस दौरान वो और ऑडिशंस लेते गए. फिलहाल जो फाइनली जो ये हुआ कि उनको शायद कहीं ना कहीं लगा कि मैं बिमला निभा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये रोल दिया. ये जो फिल्म है हमारी हरियाणा, ये आप पूरे परिवार के साथ जाके देखिए, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशनल जर्नी पे जाएंगे आप, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मजाक मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलेंगी आपको, और बहुत सुंदर सुंदर गीत मिलेंगे आपको, और पूरे परिवार के साथ में अच्छा पूरा मनोरंजन मिलेगा आपको ये फिल्म देख के. देखिए इसके अंदर जो मुख्य भूमिका में है, एक तो यश टोंग जो है वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थे, उनको सोच के ही मैंने कहानी लिखी थी. तो वो और उनको मैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मुझे पता था कि ये पूरा जस्टिफाई करेंगे कैरेक्टर, क्योंकि एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी के मालिक हैं यश टोंग. वो उनका एक फ़नी साइड है जो बहुत ही फ़नी है, उनका एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड है जो बहुत ही भाईचारे वाला जो उनकी एक साइड है, तो बहुत, और एक एक्शन वाली साइड भी है उनकी. तो उनका कैरेक्टर भी जो है बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, जो ना कि सिर्फ अपने परिवार का की देखभाल करता है, बहुत रोमांटिक भी है और बहुत ही मज़े लेने वाला इंसान है ज़िंदगी के अंदर. वो नीरस नहीं है, वो बहुत ही रसदार एक पर्सनैलिटी का मालिक है. जो महेंद्र उसका कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लोज है वो कैरेक्टर यश टोंग की खुद की पर्सनैलिटी से. तो उनकी कास्टिंग जो थी वो शुरू से ही मेरे दिमाग में थी,
और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जितने भी आए हैं इंक्लूडिंग अश्लेषा सावंत, रॉबी मेड, उन सबकी कास्टिंग जोगी मलंग जी हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने की थी।